माइनक्राफ्ट 100 डेज, बट हम स्पॉन होंगे एक 16x16 वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर, जिसे हमने अगर गलती से भी क्रॉस कर लिया तो ये वर्ल्ड बॉर्डर हर दिन कुछ ब्लॉक से बढ़ते जाएगी एंड हमें न्यू स्ट्रक्चर्स एंड एरिया को एक्सप्लोर करने मिलेगा। सो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में उस एंडर ड्रैगन तक पहुंच पाएंगे, पता नहीं। एंड एम करते हैं इस वीडियो पे 10K लाइक्स के लिए। सो हम स्पॉन होते हैं बिल्कुल एक विलेज के सामने, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि हम बनते एक वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर जिसके बाहर हम पैर भी नहीं रख सकते और ना ही इसके बाहर के ब्लॉक्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इतना तो अच्छा था कि हमारे वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर एक ट्री था, तो उसकी मदद से मैं यहाँ से कुछ वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने लिए एक वुड की पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। अपने ट्री को कट करने के बाद मुझे उससे कुछ सैपलिंग्स भी मिलती है, तो उन्हें कलेक्ट करके मैं फिर से रिप्लांट कर देता हूँ क्योंकि अपने पास इनके अलावा और कोई रिसोर्सेज भी नहीं है। एंड अगर हम इन्हें भी छोड़ देंगे तो फिर भाई इसमें 100 डेज क्या, 10 डेज भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं अपनी एरिया पे थोड़ी सी माइनिंग करके थोड़े से कोबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूं एंड ये क्राफ्ट कर लेते हैं हम एक स्टोन की पिकैक्स, स्टोन की एक्स और एक स्टोन की स्वॉर्ड। फिर मैं यहाँ पे एक छोटी सी जगह को डिग डाउन करता हूँ एंड इन एनिमल्स को उसमें फेंक देता हूँ ताकि ये लोग यहाँ से एस्केप ना कर सके, क्योंकि इन्हीं लोगों से हमें खाना और रिसोर्सेस मिलेगा। एंड फिर मुझे पता चलता है कि जैसे ही मैं इस वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकता, वैसे ये एनिमल्स भी एक बार इस वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर आने के बाद इसके बाहर नहीं जा सकते। एंड इनको कैद करने के चक्कर में मैंने फालतू में मेहनत करी। एक फर्नेस क्राफ्ट करके मैं उसमें अपने पास के कुछ लॉक्स को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, जिससे हमें मिल जाता है कुछ चारकोल एंड उन चारकोल की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ टॉर्चेस एंड निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले नाइट हो जाती है तो मुझे अपने कुछ शिप्स को मारना पड़ता है एंड उनसे वुल कलेक्ट करके मैं क्राफ्ट करता हूँ एक बेड एंड फिर सो के डे कर लेता हूँ। शिप्स को मारने के बाद हमारे पास कुछ रॉ मटन हो गया था जिन्हें मैंने कुक भी कर लिया था। फिर मैं एक हो क्राफ्ट करके विदाउट वाटर बकेट एक छोटा सा व्हीट पाम बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि अपने पास जितने जल्दी एक अच्छा सा फूड सोर्स आ जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। एंड फिर मैं सीधा स्ट्रेट डिग डाउन करते हुए निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड सबसे पहले मुझे मिलते हैं कुछ कोल ओर्स एंड थोड़ी और माइनिंग करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अंडर वाटर रिवर में। इसका मतलब था कि अब हम वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं, बस अब हमें चाहिए था थोड़ा बहुत आयरन। एंड फिर मुझे ये सीन दिखाई देता है, भाई साहब यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की मॉन्स्टर पार्टी चालू थी, ऐसा लग रहा था कि पूरे वर्ल्ड के ज़ॉम्बीज़ यहीं पे स्पॉन हो गए। एंड फिर मुझे इस वर्ल्ड की एक और बात पता चली कि इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज़ सिर्फ इस वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर ही स्पॉन होते हैं। एंड ये अपने लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि अब हम अपने वर्ल्ड में एक मॉब ग्राइंडर भी बना सकते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से काम करेगा। एंड तुमको तो पता है कि मॉब ग्राइंडर से हमको कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर मैं इस जगह पे जाने का ट्राई करता हूँ, बट यार यहाँ की हालत देख के मैं इसलिए फिर मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ एंड फिर छोटे मोटे काम करता हूँ, जैसे कि वुड कलेक्ट करना एंड अपने फार्म्स पे काम करना एंड उसके बाद एक और बार उस जगह पे जाता हूँ। लेकिन हम अभी उन खतरों से खेलने के लायक नहीं है, इसलिए मैं वहां से निकल जाता हूँ एंड रास्ते में मुझे मिल जाता है थोड़ा आयरन, जिन्हें अपने फर्नेस में स्मेल्ट करके मैं क्राफ्ट करता हूँ एक आयरन की बकेट एंड उसी के साथ एक शील्ड भी एंड फिर अपने माइन से वाटर कलेक्ट करके लाता हूँ। फिलहाल अपने पास कोई भी फूड सोर्स तो नहीं था और अपने वीड भी अभी ग्रो नहीं हुए थे, बट हमें अपने ओक ट्री से बहुत सारे एप्पल्स मिल रहे थे जिनकी मदद से मैं अपने हंगर बार को बढ़ा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे कुछ वीड्स भी ग्रो हो जाते हैं जिन्हें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी मदद से हमारे पास आ जाती है एक ब्रेड, जिसे खाके मैं अपनी बची हुई हंगर बार को बढ़ाता हूं। एंड फिर मैं कलेक्ट करता हूं बहुत सारे लॉक्स। अपने फूड फार्म से मैं थोड़ी और व्हीट को कलेक्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ थोड़े से ब्रेड्स एंड एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। इस माइनिंग ट्रिप से हमको बहुत सारा रॉ आयरन मिल जाता है एंड हाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी। एंड भाई इन्हें देख के तो अब मुझे सच में लग रहा है कि हमें जल्द से जल्द एक मॉब ग्राइंडर बना लेना चाहिए। कलेक्ट करके लाए हुए रॉ आयरन को मैं स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड अपना सारा आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक आयरन का फुल सेट आर्मर एंड साथ ही साथ एक आयरन की पिकैक्स भी। अपना मॉब ग्राइंडर बन के रेडी हो गया था एंड ये आ जाता हूँ अपने मॉब ग्राइंडर से नीचे। एंड अभी तो अपने फार्म में कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हुए थे, बट मुझे लग रहा था कि हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। A few minutes later, 5 minutes later.
2 hours later. सो मैं यहाँ पे बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, बट इसमें घंटा कुछ स्पॉन नहीं हुआ, एंड इसका सीधा मतलब था कि हमारा एक बार फिर से कट गया। पैसा बर्बाद बहन। मजा आया। अपने फूड फार्म से मैं अपने सारे क्रॉप्स को कट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ शवल, एंड फिर इस पूरे एरिया को टेराफॉर्म करता हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं बिल्ड करता हूँ एक बड़ा सा फूड फार्म, एंड उसी के साथ एक छोटा सा फेंस एरिया भी जहाँ पे अपने सारे एनिमल्स रहेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा था अपना मॉब ग्राइंडर अपने बेस के नीचे वाली केव की वजह से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम लोगों को पता है वहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रखे हैं। इसलिए मैं सीधा निकल के आ जाता हूँ इन केव्स में इनको लाइट अप करने के लिए, एंड यहाँ की इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हमको मिल जाता एक पोटैटो, मतलब अपने पास आ गया था एक न्यू फूड सोर्स। एंड इसी के साथ मैं इस पूरे केव को क्लीन और लाइट अप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर्स भी थे तो मैंने यहाँ से ढेर सारे आयरन भी कलेक्ट कर लिए थे। फिर मैं एक और केव में आ जाता हूँ, एंड यहाँ के ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मुझे इस बार मिल जाता है कैरेट, तो मैं कैरेट कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फिर इस पूरे एरिया को क्लीन करके इसे भी लाइट अप कर देता हूँ। फिर यहाँ से थोड़े गोल्ड ओर्स और कुछ लैपिस लजुली को माइन करके मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। केव में इतने सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स को मारने के बाद हमारे पास बहुत सारे बोन्स हो गए थे, जिनको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बोन मिल में, एंड केव से हमें जो पोटैटो मिला था उसे मैं बोन मिल की मदद से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड उन्हीं पोटैटोस को हार्वेस्ट करके अपने फर्नेस में कुक होने के लिए रख देता हूँ, एंड लगे तो मैं अपने वीट्स को भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड अब अपने पास फूड की कोई भी कमी नहीं, अपने पास ढेर सारा फूड सोर्स है, तो उन फूड की मदद से मैं अपने चिकन्स और शिप्स की ब्रीडिंग भी करा देता हूँ। फिर कुछ पिकैक्सेस क्राफ्ट करके मैं निकल जाता हूँ वाई लेवल -58 पे डायमंड माइनिंग करने के लिए। कंटिन्यू एक घंटे तक माइनिंग करने के बाद हमें फाइनली अपने पहले डायमंड्स मिल जाते हैं, तो मैं फटाफट से इन्हें कलेक्ट करता हूँ, एंड ये टोटल 3 डायमंड्स होते हैं, एंड उसके बाद मैं अपने डायमंड माइनिंग ट्रिप को कंटिन्यू रखता हूँ। सो मैं पिछले आधे घंटे से और माइनिंग करे जा रहा हूँ, बट हमारे हाथ एक भी डायमंड नहीं लगा है अभी तक, एंड इतने देर माइनिंग करने के बाद भी हमको सिर्फ 3 ही डायमंड मिलते हैं। उसके बाद मैं अपने पुरानी केव से एक लावा बकेट कलेक्ट करता हूँ, एंड फिर अपने बेस पे वापस लौट जाता हूँ। अपने बेस पे एक वंडरिंग ट्रेडर आया हुआ था, बट हमेशा की तरह उसने इस बार भी कचरा ही लाया था, एंड पता नहीं कैसे थोड़ी देर में वो अपने आप ही डिस्पॉन हो जाता है, एंड इसी के साथ अपने वर्ल्ड में नाइट हो जाती है। तो मैं फटाफट से अपना बेड लगाता हूँ एंड सो के डे कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट डे को मैं अपने सारे उसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ जितने भी ग्रो हो गए थे, एंड उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपनी वर्ल्ड बॉर्डर अच्छी खासी ग्रो हो गई थी, एंड अपने पास अब बहुत सारा एरिया आ गया था एक्सप्लोर करने के लिए, एंड कुछ दिनों में तो ये विलेज भी अनलॉक हो जाएगा, एंड इसे भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर एक शियर क्राफ्ट करके मैं अपने शिप से बहुत सारा वूल कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यही वूल आगे जाके हमारे बिल्ड्स और बेड क्राफ्ट करने के काम आएगा। फिर मैं कलेक्ट करता हूँ यहाँ से बहुत सारा वुड, एंड बहुत सारा वुड कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करने के लिए। सो गाइज यार, ये रहा अपना प्यारा सा घर, एंड इसमें बस सिर्फ और सिर्फ ग्लास लगना बाकी है। एंड तुम लोग बस ये चेकआउट करो अपने मॉब ग्राइंडर में, भाई मॉब्स ही मॉब्स है, यहाँ पे भसड़ मची पड़ी है, एंड ये सब पॉसिबल हुआ अपने केव्स को लाइट अप करने के बाद। एंड अब अपने पास होने वाली है ढेर सारी एक्सपी एंड बहुत सारे रिसोर्सेज भी, एंड क्योंकि अब अपने मॉब ग्राइंडर की वजह से अपने पास बोन मिल का अनलिमिटेड सोर्स है, तो मैं कुछ बोन्स को कन्वर्ट करता हूँ बोन मिल में, एंड उनकी मदद से मैं अपने घर के सारे क्रॉप्स को ग्रो करता हूँ। अपनी वर्ल्ड बॉर्डर थोड़ी और ग्रो हो गई थी, जिसके
कारण अपने बेस में एक सवन्ना ट्री आ गया था, तो उसके मदद से मैं न्यू वुड टाइप कलेक्ट कर लेता हूँ, आगे जाके अपने बिल्ड्स में काम आ सकता है। एंड साथ ही उस ट्री की कुछ सैपलिंग्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज यार, अब जाके मुझे इस विलेज में एक विलेजर दिखाई दिया है। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, वो विलेजर वर्ल्ड बॉर्डर के इस साइड आ गया है। एंड तुम लोगों को तो पता है, जो भी वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर आ जाता है वो उस वर्ल्ड बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ विलेज में। एंड वहां के एक हाउस में मुझे मिलती है चेस्ट, जिसके अंदर मुझे मिल जाते हैं कुछ ब्रेड्स और एमराल्ड्स। फ्लेचिंग टेबल की मदद से मैं इस विलेजर को फ्लेचर की जॉब देता हूँ और फिर स्टिक के बदले में मैं इससे एमराल्ड्स की ट्रेडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने सारे एनिमल्स की ब्रीडिंग कराता हूँ एंड फिर शेयर की मदद से अपने शिप से बहुत सारा वूल कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ ये वाला दिन भी निकल जाता है। एंड उसके अगले दिन कुछ ऐसा होता है। मच्छर की गांडू मर की बोलागर। सो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, सुबह सुबह क्रीपर देवता हमको इतना अच्छा गिफ्ट देकर गए हैं। सो सबसे पहले तो मैं इन सभी चीजों को पहले जैसा करता हूँ। फिर मैं अपने सस्ते से ट्री फार्म से वुड कलेक्ट करता हूँ एंड फिर अपने पास जो 3 डायमंड्स थे उनकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ एक डायमंड की पिकैक्स एंड फिर एक और बार निकल जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड इस माइनिंग ट्रिप में भी 1 से 1.5 घंटा ग्राइंड करने के बावजूद हमको सिर्फ 11 डायमंड्स ही मिलते हैं। एंड अब मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड में हमें माइनिंग करके डायमंड मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने लगाए हुए सारे पोटैटोज ग्रो हो गए थे तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए उनको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूरे फील्ड में सिर्फ पोटैटो ही क्यों लगाया, क्योंकि आगे जाके ये पोटैटोज हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इनकी मदद से हम अपने विलेजर्स की ब्रीडिंग करा के अपने लिए एक बड़ा सा विलेज बना सकते हैं एंड साथ ही साथ हम लोग उनके साथ पोटैटोज के बदले में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मुझे पहली बार अपने विलेज में एक आयरन गोलेम दिखाई देता है तो एंड ये रहा अपना फ्री का आयरन। फिर मैं वहां से सीधा निकल के आ जाता हूँ अपने बेस के नीचे वाली केव में एंड यहाँ पे होता है एक छोटा सा लावा पूल, जिसे मैं वाटर बकेट की मदद से कन्वर्ट कर देता हूँ ऑब्सीडियन में एंड यहाँ से कलेक्ट करते हैं अब इनफ ऑब्सीडियन। कलेक्ट करके लाए हुए ऑब्सीडियन की मदद से मैं एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ एंड फिर अपने पास जितने भी डायमंड्स होते हैं उनकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक चेस्ट प्लेट एंड साथ ही साथ एक डायमंड की स्वॉर्ड भी एंड फिर एक फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करके अपने नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ नेदर में, जहाँ हम स्पॉन हो जाते हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट में, जिसको कनेक्ट था एक नेदर वेस्ट बायोम। एंड यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि नेदर में भी वर्ल्ड बॉर्डर लगी हुई है। अपने नेदर के हाल देख के मैं सीधा अपने ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में वापस आके मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ चेस्ट और हॉपर्स अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड करने के लिए। एंड मैं अपना कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड कर ही रहा था कि तभी एक वांडरिंग ट्रेडर आ जाता है एंड ये हर बार की तरह इस बार भी गुई लाया था। अपना कोबलस्टोन जनरेटर रेडी होते ही मैं क्राफ्ट करता हूं बहुत सारी पिकैक्सेस एंड फिर अपने कोबलस्टोन जनरेटर पे बहुत सारा एएफके करता हूं। ये 3rd time अपने वर्ल्ड में वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था एंड इस बार इसने बहुत काम की चीज लाई थी, जो कि थी जंगल की सैपलिंग। तो मैं फटाफट से एम्ब्रॉयड लेता हूँ एंड फिर उससे ढेर सारी जंगल की सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ। सो मैंने अपने विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बिल्ड कर लिया था, क्योंकि अपने विलेज में सिर्फ 2 ही विलेजर बचे थे एंड मैं नहीं चाह रहा था कि वो दोनों भी गायब हो जाए, इसलिए मैंने उनके लिए एक सेफ जगह बिल्ड कर दी है। इसलिए फिर मैं बहुत सारे बेड्स क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने ट्रेडिंग हॉल के फ्लोर को उन बेड से एक्सचेंज कर देता हूँ एंड फिर मैं अपने दोनों विलेजर्स को बोट में बिठाकर विलेज से अपने न्यू ट्रेडिंग हॉल में ट्रांसफर करता हूँ एंड ब्रीडिंग करने के लिए उन्हें मैं बहुत सारे पोटैटोज भी दे देता हूँ एंड लगे हाथों अपने फार्म से बहुत सारे पोटैटोज को भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही उनको रिप्लांट
भी कर देता हूँ। अपनी वर्ल्ड बॉर्डर अच्छी खासी इंक्रीज हो गई थी एंड उसके अंदर कुछ पंपकिंस भी आ गए थे, तो मैं उन सारे पंपकिंस को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे थोड़े और फ्लेचिंग टेबल्स क्राफ्ट करने थे जिनके लिए हमें चाहिए थे कुछ फ्लिंट्स, एंड इसलिए मैं फिर पास वाले रिवर में आ जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारी ग्रेवल होती है, तो मैं उन्हें माइन करके कुछ फ्लिंट्स कलेक्ट करता हूँ। एंड यहीं पास में बहुत सारा सैंड भी होता है, तो लग गया तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अपने बेस पे वापस आके मैं और थोड़े फ्लेचिंग टेबल्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उनकी मदद से मैं और थोड़े विलेजर्स को फ्लेचर की जॉब देता हूँ, एंड फिर बहुत सारी स्टिक्स क्राफ्ट करके उनकी मदद से मैं इन फ्लेचर से ट्रेडिंग करता हूँ एंड उनसे बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। हमने कलेक्ट करके लाई हुई सारी सैंड भी स्मेल्ट हो जाती है, तो उनको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं ग्लास पेंस में एंड अपने पूरे हाउस में लगा देता हूँ। एंड इसी के साथ अब जाके अपना हाउस कंप्लीट होता है। एक ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट करके मैं अपने विलेजर को आर्मरर की जॉब देता हूँ एंड फिर उसे मास्टर लेवल तक अपग्रेड करके अपने लिए बचे हुए डायमंड के आर्मर उससे ट्रेड कर लेता हूँ। एंड इन सारे आर्मर पीस पे ठीक ठाक इंचेंटमेंट भी लगी हुई थी। एंड इसी के साथ ये कवर है फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर में। एंड अपने ट्रेडिंग हॉल में बहुत सारे विलेजर्स हो गए हैं एंड तुम लोगों को ये बेबी विलेजर्स भी दिख रहे होंगे जो कि कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे एंड अपने पास और विलेजर्स आ जाएंगे। फिर मैं सीधा निकल के आ जाता हूँ नेदर में, एंड क्योंकि इस वर्ल्ड में वर्ल्ड बॉर्डर लगी हुई है तो अपने नेदर पोर्टल के पास ही एक बड़ा सा फोर्ट्रेस होता है, तो मैं वहां पे जाके बहुत सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। अपने नेदर पोर्ट्रेस से 16 ब्लेज रॉड कलेक्ट करके मैं अपने ओवर वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड ये 16 ब्लेज रॉड अपने लिए मोर देन इनफ है। अपना एनिमल बार्न बिल्कुल अपने ट्रेडिंग हॉल के सामने ही था जिसकी वजह से अपना ट्रेडिंग हॉल बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, इसलिए मैं अपने पूरे फार्म वाले जगह को क्लियर करता हूँ एंड वहां पे अपने एनिमल्स के लिए न्यू बार्न बिल्ड करता हूँ एंड फिर अपने सारे एनिमल्स को उनके न्यू बार्न में ट्रांसफर भी कर देता हूँ। ब्रीविंग स्टैंड क्राफ्ट करके एक विलेजर को मैं क्लरिक बनाता हूँ एंड उसे मैक्स आउट करने में लग जाता हूँ ताकि हमें एंडर पर्ल मिल जाए, एंड ये बंदा एंडर पर्ल की जगह नेदर वॉर्ड ट्रेड करता है, इसलिए मैं इसे मार देता हूं एंड इसे मारने की वजह से ये साले सभी लोग अपना रेट बढ़ा लेते हैं, इसलिए फिर मैं महंगाई कम होने का कुछ दिनों तक वेट करता हूं एंड उसके बाद एक और बंदे को क्लरिक की जॉब देके उसको मैक्स आउट कर लेता हूं एंड फाइनली हमें मिल जाती है एंडर पर्ल, तो मैं उससे बहुत सारे एंडर पर्ल्स ट्रेड कर लेता हूं एंड फिर ब्लेज पाउडर और एंडर पर्ल की मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूं कुछ आई ऑफ एंडर एंड निकल जाता हूं अपने स्ट्रांग होल्ड की तरफ। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था अपने 16x16 चंक के आसपास ही अपने सारे स्ट्रक्चर्स है, तो ये स्ट्रांग होल्ड भी अपने आसपास ही होगा एंड ये पहुंच गए हम अपने स्ट्रांग होल्ड में एंड ये रही अपनी एंड पोर्टल फ्रेम जिसे मैं फटाफट से एक्टिवेट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ एंड में। एंड इसी के साथ हमने इस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन को डिपीट कर दिया था एंड इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को बीट कर दिया था। एंड अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट स्पैम कर देना ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं। एंड अगर तुम लोग मेरी वन ब्लॉक हार्डकोर सीरीज देखना पसंद करोगे तो कमेंट सेक्शन में जाके वन ब्लॉक स्पैम कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड पीस आउट।